हट जी रुको एक मिनट। क्वेश्चन पीछे आना थोड़ा सा। किसको बता रहा है? कैसे कैसे जाने रहे हैं कौन कैसे लगा काला कपड़ा वहां लगा था और सलवार सूट पहन रखा था तो उसने सलवार सूट पहन रखा था एक आदमी था उसने शर्ट पहन रखी थी वाइट रंग की और एक ने नीले रंग की नीले और येलो डाली और भी कोई बच्चे थे गाड़ी काहे के लिए रोकी थी क्या बोला था उन्होंने गाड़ी रोक के आपसे कहां गए थे बड़ा एक बात बताओ गाड़ी के अंदर आपसे जब आपको अंदर लिया था तो आपस में कोई बात कर रहे थे बोले क्या बोला कुछ आपस में कोई बात नहीं करी तो आपको बस बैठा के यहाँ ले गया आप छूटे कैसे उनसे नाम बताओ क्या करते हैं कपिल किशोर नाम का व्यक्ति और पिता उनका बच्चा गौरव भाटी को लेके आए थे और उन्होंने बताया कि साहब पिताजी की देवली के पास में ट्यूशन गया था बच्चा वहाँ से टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला तो बच्चे ने बताया कि साहब एक वैन में दो व्यक्ति और दो औरतें जहाँ ये पेशाब करने वाला था वहाँ से इसको पकड़ कर गाड़ी में डालकर ले गए और बिहारीगंज के पास में गली में उन्होंने गाड़ी खड़ी करके वो चारों उतर गए थे और चारों उतर के वो कुछ दूर गए ये बता रहा कि वहाँ से उतर कर उससे करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक दुकान पर आकर इसने किसी दुकानदार को अपने पिताजी के नंबर दिए तो उसने अपने पिताजी इसके पिताजी को फोन करके बुलवाया तो घटना पर मौके पर दोनों तीनों जगह जाके हमने तस्दीक की है तो इस प्रकार की कोई गाड़ी का अभी तक घटना स्थल पर तथा जहाँ इसको छोड़ा वहाँ कोई बता नहीं रहा कि साहब इस प्रकार की गाड़ी देखी गई है लेकिन फिर भी हम CCTV फुटेज वगैरह से एक बार हम लोग उस पूरे रास्ते पर चेक कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की गाड़ी किधर से आई थी क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ था इस पूरे मामले की एक बार तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं परिजन अभी आए थे अभी इन्होंने मौखिक रूप से बताया अभी हम एक बार बच्चे को लेकर CCTV कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं उसके बाद जैसी भी सूरत होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी ठीक है।